आईपीएल शुरू होने से पहले टीमों को बहुत बड़ा झटका। 10 खिलाड़ी हुए लीग शुरू होने से पहले ही बाहर। बिना स्टार खिलाड़ियों के कौन बनेगा चैंपियन इस बार? इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 2023 के सीजन के शुरू होने में अब थोड़ा समय ही बचा है। मंच पूरी तरह से तैयार है, टीमें भी तैयार हैं और बस पहले मैच का सिक्का उछलने की देरी है। आईपीएल में इस बार भी 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, लेकिन इन 10 टीमों में से कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्हें अभी से ही 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि टीमों के कई सारे स्टार खिलाड़ी चोट के चलते सीजन से बाहर हो गए हैं, जबकि कुछ ने न खेलने का फैसला किया है। 9 खिलाड़ी तो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, जबकि एक खिलाड़ी पर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। चोट और न खेलने की खबरें पहले से ही टेंशन दे रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें उन खिलाड़ियों के नाम जो खिलाड़ी बाहर हो गए हैं और जिन पर खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। तो आपको बता दें ये खिलाड़ी अभी तक इस आईपीएल सीजन से हो चुके हैं बाहर। दिल्ली कैपिटल से ऋषभ पंत एक्सीडेंट की वजह से कई महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं, इस वजह से वो इस आईपीएल में भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं मुंबई इंडियंस को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी चोट के चलते इस आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी 440 वोल्ट का झटका लगा जब प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होने की खबर आई। वहीं केकेआर के तो कप्तान ही इस सीजन से बाहर हो गए हैं, जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर चोट के चलते कहा जा रहा है कि इस सीजन नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अभी भी उन पर सस्पेंस बरकरार है। हो सकता है कि आईपीएल के आखिरी कुछ मुकाबलों तक श्रेयस अय्यर फिट हो जाएं, नहीं तो उनके बिना ही केकेआर को पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। वहीं मुंबई इंडियंस को एक और तगड़ा झटका लगा जब झाय रिचर्डसन के बाहर होने की खबर सामने आई। तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन इस बार इंडिया के पिचेस पर कमाल कर सकते थे, लेकिन वो पहले से ही इस सीजन से बाहर हो गए हैं। वहीं आरसीबी के लिए भी बुरी खबर आई है। आरसीबी के लिए बुरी खबर तब आई जब विल जैक्स चोट के चलते सीजन से बाहर हो गए। हालांकि उनकी जगह पर माइकल ब्रेसवेल को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जोड़ा गया है, लेकिन वो विल जैक्स जैसी तूफानी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। वहीं सीएसके को भी झटका लगा है। सीएसके के लिए काइल जेमिसन, जो कि शानदार ऑलराउंडर थे और कई करोड़ रुपए देकर सीएसके ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था, वो इस सीजन से बाहर हो गए हैं। वो भी चोटिल हैं और इस पूरे सीजन नहीं खेल पाएंगे। वहीं पंजाब किंग्स के लिए तगड़ा झटका तब लगा जब जॉनी ब्रेस्टो के बाहर होने की खबर सामने आई। तो ये वो खिलाड़ी थे जो चोट के चलते बाहर हुए हैं या फिर जिसमें से कोई खिलाड़ी संदिग्ध है। वहीं नाम वापस लेने वाले खिलाड़ियों में नाम आता है पैट कमिंस का और स्टीव स्मिथ का। इन दोनों ने ही इस पूरे सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है और निजी कारणों की वजह से वो इस आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल आईपीएल की अलग अलग टीमों के 10 खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जिनके कारण अलग अलग हैं। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ी चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। वहीं इस लिस्ट का हिस्सा 4 भारतीय खिलाड़ी भी हैं। पंत दिल्ली के कप्तान थे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से नहीं खेलने वाले और फिर वार्नर को दिल्ली का कप्तान बनाया गया। मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका तब लगा जब बुमराह के ना खेलने की खबर सामने आई। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को लंबे समय से क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर का शिकार हैं। वहीं चौथे भारतीय श्रेयस अय्यर हैं, जिनको लेकर थोड़ा संशय है। इसके अलावा इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ ने टूर्नामेंट नहीं खेलने का फैसला किया, जबकि झाय रिचर्डसन चोट की वजह से टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। कैसा होगा ये आईपीएल, आपको भी बता देते हैं कि 31 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है और 28 मई तक चलेगा। देश के 12 वेन्यू पर मुकाबले होंगे। 70 लीग मैच में 18 डबल हेडर होंगे। 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। होम और होम अवे के फॉर्मेट में ये मैच खेले जाएंगे। पिछली बार ही आईपीएल को नई टीम गुजरात टाइटंस से जीता था, जिसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे थे। पहला मैच 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच ही होने वाला है। अब देखना होगा इन खिलाड़ियों के बिना ये सारी टीमें आईपीएल में कैसे हल्ला मचाती हैं।